हेलो फ्रेंड्स, माय नेम डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है किडनी स्टोन क्या है और किडनी स्टोन के कितने किस्म के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उसकी कौन सी साइन सिम्पटम होते हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसके किडनी स्टोन की और इसके अलावा हम बात करेंगे उसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं इस पर डिटेल के साथ बात। व्हाट इज द किडनी स्टोन? किडनी स्टोन है क्या? एक हार्ड चीज होती है। किससे बनती है? हम जो गिजा खाते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी गिजा डिसॉल्व नहीं होती, जिससे वो स्लोली एक शेप जो है वो गिजा के जरात जो है वो एक हार्ड शेप बन जाते हैं, जिसको स्टोन शेप में बन जाता है। वो याद रखिए कि हम जो भी हमें गिजा खाते हैं उस गिजा की, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको गिजा के जो मुख्तलिफ जरिए होते हैं जिनसे वो ये स्टोन बनना शुरू होती है, जिसको पथरी बोलते हैं। अब याद रखिए किडनी स्टोन क्या है, कितनी पथरी और किसको बोलते हैं। जो इंसान, जो पेशेंट होते हैं जो गिजा खाते हैं उसमें बहुत से ऐसे जरात होते हैं जो आपस में इकट्ठे होकर एक पथरी का शेप दे देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पथरी के किस्म होते हैं गिजा से, मुख्तलिफ गिजा से जो स्टोन बनती है उसके मुख्तलिफ टाइप होते हैं। अक्सर जो पेशेंटों को जो बने जाते हैं कैल्शियम ऑक्सीडेट, जो पथरे का अगर मुआयना किया जाए तो कैल्शियम ऑक्सीडेट या यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो पेशेंटों में उस पथरी का होते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है दो पाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीडेट और यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्सीडेट जो होते हैं मेन जो किडनी स्टोन होती है जो क्रिएटेड कहाँ करते हैं, कैल्शियम कम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेट के साथ इन द यूरिन में। इसका रीज़न क्या होता है? सबसे ज़्यादा लो कैल्शियम हो या फ्लूड इनटेक जिनका कम होता है उनको ज़्यादा ये कैल्शियम ऑक्सीडेट जो है स्टोन बनता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं। एयर अंदर कमेंट्स कौन था है किडनी स्टोन जो बनती है यूरिक एसिड, जिसमें सच फूड की बात करें तो फूड में मेन जो आर्गन होता है कोएस्ट, जिसमें कंसेंट होता है नेचुरली केमिकल कंपाउंड, उसमें क्या पाया जाता है? प्यूरिन पाया जाता है। हाई होने की वजह से ये लीड करता है जो मोनोसेटेट जो इसमें है जाके किडनी स्टोन बनाता है। इसके अलावा बात करेंगे कौन से ऐसे साइन सिम्पटम, किसी पेशेंट को अगर किडनी स्टोन होता है तो उसमें क्या होता है। सबसे पहले अक्यूट पेन होता है। ग्राउंड कहाँ से होता है? लोअर एब्डामन से लेकर बैक तक पार्ट के पूरे रेडिकेट करता है पेन। इसके अलावा पेन जो लोअर एब्डामन से लेकर ग्राउंड तक रेडिएट पूरी बॉडी तक उसको रेडिकेट करता है। ऐसे पेशेंट को सबसे ज्यादा बर्निंग सेंसेशन जब यूरिन पास करते हैं तब उनको सबसे ज्यादा पेन होता है। ऐसे पेशेंटों को चक्कर आना, बीपी लो होना या फीवर और वोमेंटिंग ज्यादा ऐसे पेशेंटों को पेन की कंडीशन में होती है। बाद पेशेंट को स्टेट ऑफ स्पोर्ट यूरिन में जो है यूरिन में भी ब्लड आता है। ये निशानियां जो होती हैं ज्यादातर स्टोन की होती है। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन कैसे करते हैं? ऐसे पेशेंट जिनको बार बार स्टोन होता है उस स्टोन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको इजी एनालाइज कर सकते हैं, इजी उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस चीज़ से बनती है। अगर वो खाने की उस गिजा से अगर वो बनना शुरू करती है उस गिजा पे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो दोबारा ये पथरी नहीं बन सकती। ऐसे पेशेंट जिनको बार बार होती उनके लिए स्टोन एनालाइज करना लाजमी होता है। और इसके अलावा प्रिवेंशन में हम दूसरा इसको डाइट चेंज करेंगे और जो डाइट जिस तरह वो खाना खाते हैं उसकी डाइट को हम चेंज करना चाहिए। देखो डाइट में जैसे आप लोगों का रिस्क होता है सबसे फैक्ट्री तो उसका मॉडिफाइड करना उसका हेल्प करता है स्टोन से ना हो। इसके लाइफस्टाइल तीसरी चीज़ हम प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल आता है। इसका लाइफस्टाइल में देखो हम ड्रिंकिंग पेनल्टी फ्लूड सबसे ज़्यादा उसको करना है। लाइफस्टाइल में मॉडिफाइड करना है उसको सबसे ज़्यादा पानी का पेनल्टी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि हेल्थ को मैनेजमेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन से अवॉइड करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन अवॉइड करने से हेल्थ रिस्क किडनी स्टोन रिड्यूस हो जाएगा। जब आपके पानी का ज़्यादा यूज करने से उसका फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है तो रिड्यूस होता है। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज, एक पानी का ज़्यादा यूज करना और एनालाइज स्टोर करना किस गिजा से हो रहा है। अगर वो चीज़ भी हमें कंट्रोल करें तो बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं इसके स्टोर ना हो दोबारा। इसके अलावा हमें कौन सी ऐसी टेस्ट, इमेजिंग कौन सी टेस्टिंग करते हैं? सबसे बेस्ट जो टेस्ट होती है सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं इसकी, जिससे किडनी के हमारे को अल्ट्रासाउंड करने से हमें पता डायरेक्ट होता है कि स्टोन है या नहीं, उसकी साइज़ कितनी है उसके बारे में मालूम पड़ जाता है क्योंकि साइज़ किडनी का इम्पोर्टेंट बहुत होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है अगर सेकंड कोई अगर सीटी स्कैन टेस्ट आती है जो कंप्यूटर टोमोग्राफी कहा जाता है इसको, ये भी प्रोवाइड करती है जिसे इमेजिन जिससे हमारे जो ट्रैक का जिससे हमारे को मुख्तलिफ सी किडनी स्टोन की हमारे को जी पालती है। दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे हमारे किडनी का
साइज और उसकी चीज का हमें पता चलता है। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बाद में, देखें हाउ आर द किडनी स्टोन ट्रैप, कैसे ट्रीटमेंट ट्रीट की जाए इसको। देखो ट्रीटमेंट से पहले प्रिस्क्रिप्शन से पहले हम किडनी का इस डिपेंड करता है आपकी साइज बहुत, कितने साइज साइज के लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया उससे समय साइज का क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेमल साइज होती है तो उसका मैनेजमेंट हम इजी कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सबसे पहले पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन होता है, पेन के लिए हम ओवरऑल इसकी मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसमें नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं जो पेन रिड्यूस करने के लिए, वॉलजिसन, और इसके अलावा ऑप्टिवाइट जो है जो भी रिलीफ की जाती है सीवियर पेन में, स्टोन में अक्सर इसमें सीवियर पेन में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अक्सर इंजेक्शन, सीवियर पेन हो तो आप इंजेक्शन, नॉर्मल में आप टेबलेट इस्तेमाल कराएंगे। और इसका दूसरा दूसरा इसके साथ जो है हाइड्रेशन, पानी का बहुत ड्रिंकिंग पेनल्टी फ्लूड बहुत स्पेशल वाटर का जो है हमें वो हेल्प देता है, क्योंकि किडनी अगर स्मॉल स्टोन में होती है तो उसको अगर ज़्यादा यूज़ करने से वो फिल्टर में भी अमूमन हो जाती है। इस तरह पर जो उसका प्रोड्यूशन फ्लूड होना चाहिए 2 से 3 लीटर यूरिन पर डे होना आना चाहिए उसको, वो मस्ट भी करना चाहिए 2 4। देखिए इसमें हम ट्रीटमेंट के लिए बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होती है हमारी 2 किस्म की होती है, एक सर्जरी होती है दूसरी शॉर्ट वेव थेरापी होती है। अलावा मुख्तलिफ तरीके होते हैं लेकिन मेन जो बेस्ट तरीके होते हैं शॉर्ट वेव थेरापी या लेजर थेरापी जिसको बोले, वो बहुत बेस्ट होता है, जिससे हम अल्ट्रा मशीन के जरिए हम उसके रेजर के जरिए उस स्टोन को ब्रेक डाउन कर दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के जो उसके अपना रेजर होते हैं उससे उसको स्टोन को ब्रेक डाउन करके उससे करते हैं, जिससे एक दिन में वो बिल्कुल उसको बोन को वेव के जरिए उसकी बॉडी के जो है डैमेज करके, स्टोन के जो है उसको डैमेज कर देती है, उसके बाद फिर यूरिन के जरिए वो पास हो जाता है। बेस्ट तरीका ये है। और दूसरा जो है सर्जरी होता है, जो ओल्ड सबसे ओल्ड तरीका सर्जरी था जिससे सर्जरी करके स्टोन को निकाल।